गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर स्किन केयर वीडियो। अगर पहली बार इस चैनल पे आए ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो आए आपको पता लग जाए। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय पीलिंग रूटीन। बेसिकली मैंने आपसे पहले एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था आई एम चेंजिंग माय स्किन केयर रूटीन, everything I have changed. Why? Because I was about to start this chemical peel and today is the first day. Now why I am using this chemical peel और कैसे कैसे use करूँगी ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और मैंने पहले भी chemical peel use किया है, this is my second time. So क्या क्या चीज़ें मैं ध्यान में रखूँगी और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए इस बारे में भी हम बात करेंगे। So without any further ado, let's start the जैसे कि आप मेरा फेस देख सकते हैं फिलहाल आई हैव नॉट अप्लाइड एनीथिंग, फेस वॉश किया हुआ है और उसके अलावा फेस पर कुछ भी नहीं है। व्हाई आई एम यूजिंग दिस केमिकल पील, बिकॉज एक तो बहुत दिन से मैंने कुछ भी ऐसे एक्सफोलिएट अच्छे से नहीं किया है। मैं पहले सैलिसिलिक एसिड यूज करती थी सीरम, अब मैं वो भी यूज नहीं कर रही हूँ। तो एक्सफोलिएशन के लिए बेसिकली आई हैव नॉट डन एनीथिंग। ऑल्सो मुझे यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं चिन पे बहुत सारे ऐसे पिंपल मार्क्स हो गए हैं। रिसेंटली आई हैड अ लॉट ऑफ हार्मोनल पिंपल्स ऑन माय चिन एरिया जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे पिंपल मार्क्स हो गए हैं। और थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े थोड़े जहाँ पे भी डार्क स्पॉट्स हैं मुझे वो ठीक करने हैं, थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है मेरे नोज के अराउंड। सो आई वॉन्ट टू डू दिस एक्सफोलिएशन और बहुत ही अच्छे से मैं ये करना चाहती थी। सो आई थॉट ऑफ रेदर देन स्टार्टिंग एनी सीरम लेट्स गो विद द पीलिंग से स्टार्ट करते हैं। सो आई एम यूजिंग हमेशा की तरह दी ऑर्डिनरी AHA 30% एंड BHA 2% पीलिंग सोल्यूशन। ओके तो सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लेती हूँ एंड मतलब एक हेयरबैंड लगा लेती हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट विद द पीलिंग। और साथ साथ हम बात करते जाएंगे मेरे पहले एक्सपीरियंस के बारे में और अभी में और तभी में क्या फर्क है या क्या चेंजेस मैं करने वाली हूँ। ओके सो गाइज पहले क्या था ना कि जब मैंने पीलिंग स्टार्ट किया था वो सो स्केर्ड विद दिस पील, ये दिखता भी बहुत डरावना है। दूसरी बात मुझे काफ़ी चीज़ें पता नहीं थी जिसकी वजह से मेरी स्किन ना टैन हो गई थी। अब ऐसा हमेशा कहते हैं एक तो इसको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है, तो अभी आई एम अप्लाइंग एंड आई एम स्केर्ड राइट नाउ इसको अप्लाई करते वक्त अभी भी इवन सेकेंड टाइम भी। तो मैंने ना सनस्क्रीन का थोड़ा ज़्यादा ध्यान नहीं रखा था जिसकी वजह से मेरी स्किन टैन हो गई थी। सन एक्सपोजर तो डेफिनेटली होता था क्योंकि मैं क्लासेस के लिए जाती थी और मेरी स्किन टैन हो गई थी एंड यस तो सनस्क्रीन का इस बार मैं ज़्यादा ध्यान रखने वाली हूँ। और मैं इसको ओह माय गॉड अभी से मुझे इरिटेट करने लग गई है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई थी। बस एक ये चीज़ है ना जो मुझे इस पील के बारे में पसंद नहीं है, ये इचिंग जो होती है आई डोंट लाइक दिस, बहुत ज़्यादा हो रही है। ओके गाइस सो मैंने फेस पे लगा लिया है, आई विल ट्राई टू यू नो कीप इट ऑन माई फेस फॉर लाइक 10 मिनट्स क्योंकि मैक्सिमम 10 मिनट्स ही रख सकते हैं इसको फेस पे। मैंने इस पर पढ़ा भी था इसके प्रिकॉशंस में या डायरेक्शन जो होती हैं यूसेज की उसमें भी लिखा हुआ था कि डो नॉट कीप इट फॉर लाइक मोर देन 10 मिनट्स। थोड़ी सी इसको लगाने के बाद ना आपको इचिंग होती है फेस पे, मुझे तो बहुत होती है, जिसका फेस ड्राई है उसको और ज्यादा हो सकती है। अगर हाँ यस अगर आपकी ड्राई स्किन है तो नॉट ट्राई दिस, बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है ना तो आप पीलिंग से दूर रहिए। आई वुड सजेस्ट दिस ओनली। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन यूज इज सैलिसिलिक एसिड का सीरम आता है एंड दैट टू इन स्क्वालिन। स्क्वालिन क्या होता है, थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग होता है फेस के लिए। सो यस नाउ आई विल कीप इट फॉर लाइक 10 मिनट्स और उसके बाद इसको मुझे अच्छे से वॉश करना है। सो जब तक ये मेरे फेस पे लगा हुआ है आप फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको कौन कौन सी वीडियोस देखनी है या फिर कोई ऐसा न्यू प्रोडक्ट है जिसका रिव्यू आपको चाहिए या कोई भी ऐसी वीडियो है विच यू वॉन्ट मी टू मेक। सो कॉमेंट डाउन बिलो राइट नाउ सो दैट आपके लिए मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियोज बना सकूँ। ओके गाइज इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हो गए हैं, मतलब 9 मिनट्स अराउंड, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद मैं आपको इफ़ेक्ट्स दिखाती हूँ कि इसके कैसे इफ़ेक्ट्स हैं और उसके बाद मतलब आफ्टर पीलिंग क्या स्किन केयर में रहेगा दैट विल आल्सो आई शो यू। सो आई विल कम बैक आफ्टर वॉशिंग दिस।
ओके गाइस, सो वॉशिंग इज डन. मैंने अच्छे से ऐसे फेस को वॉश कर लिया है और मैं थोड़ा क्लोजअप से आपको दिखा रही हूँ, बिकॉज जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा डलनेस थी. और ये हमेशा होता है जब भी मैं पीलिंग सोल्यूशन यूज़ करती हूँ ना, तो पहले मेरा फेस बहुत डल होता है, उसके बाद एक हल्का सा ग्लो आ जाता है एज यू ऑल कैन सी. सो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि एक इंस्टेंट ग्लो लेके आता है और जान ला देता है स्किन के अंदर. इसके बाद अब क्योंकि जो पीलिंग सोल्यूशन है उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ड्राई हो सकती है. सो आई एम यूजिंग दिस एडवांस स्नेल 96 म्यूसिन पावर एसेंस. मैं ये यूज़ करूँगी. इसका कैप मेरी बेटी ने कहीं खो दिया है, सो फिलहाल मेरे पास ऐसे ही है. सो आई यूज दिस. बहुत ही अच्छा होता है ये स्किन के लिए. अगर मतलब आपको ऐसे हाइड्रेशन प्रोवाइड करना है तो वाटर को बहुत अच्छे से लॉक करके रखता है और बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होता है स्किन में. नाउ आई विल वेट फॉर इट टू ड्राई, उसके बाद मैं एक और चीज अप्लाई करूंगी एंड आई विल शो यू व्हाट. ओके जी, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है मेरा स्नेल म्यूसिन. अभी मैं लगाऊंगी ये क्वेंच का, स्नेल म्यूसिन का ही मॉइस्चराइजर है. मैं पहले कॉसारेक्स का मॉइस्चराइजर यूज कर रही थी, वो खत्म हो गया मेरा. अगर आपको स्नेल म्यूसिन का मॉइस्चराइजर ट्राई करना है और आप वो कॉसारेक्स वाला नहीं यूज करना चाहते क्योंकि वो 1500 समथिंग का आता है, वो बड़े वाली उसमें टब में आता है, तो आप क्वेंच का ट्राई कर सकते हैं. ये टब थोड़ा छोटा है, प्राइस भी थोड़ा कम है. इट इज अराउंड 699 या 700 रुपए का है. और बट 700 रुपए का है तो उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस, उसका साइज भी छोटा है, मतलब क्वांटिटी कम आती है. सो आप ट्राई करके देख सकते हैं, अगर आपको सूट करता है तो आप ले सकते हैं. मुझे तो अच्छा लगता है ये वाला भी, मतलब प्राइस इसलिए कम है क्योंकि क्वांटिटी कम है, अदरवाइज कोई ऐसा प्राइस कम है नहीं इसका भी. और ये भी एक कोरियन ब्रांड है बाय द वे. वेरी नाइस, मतलब इसको अप्लाई करके ऐसा लगता है कि कितना अच्छा मॉइस्चराइजेशन मैंने अपनी स्किन को प्रोवाइड किया है, कितने अच्छे से मेरी स्किन मॉइस्चराइज हुई है. ओके गाइस, सो इट इज डन एंड दिस इज हाउ माय स्किन इज लुकिंग राइट नाउ. एज यू ऑल कैन सी, वापस से थोड़ा सा ऐसे ग्लो सा आ गया है फेस में, मतलब ऐसे रिंग लाइट भी ऐसे शाइन कर रही है ना मेरे फेस पे. पहले बहुत ही बेजान सा था. यहाँ मैं आपको वीडियो दिखा दूंगी पहले कैसे था और अभी कैसा है. आई लव दिस इफेक्ट, मुझे बहुत पसंद है. आपको कोई भी क्वेश्चन है ना अगर पीलिंग को लेके, तो कमेंट में क्वेश्चन मुझे लिख दीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर. एंड या फिर कोई और कंसर्न है तो पूछ लीजिए, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. एंड आप मुझे बताइए कि आपको मेरे स्किन के अंदर चेंजेस देखे या नहीं. ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलेगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलेगा. ऐसी ही और वीडियोस मैं आपके लिए लाते रहूंगी. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.